25 तारीख को दशहरे वाले दिन जो है वो रावण की जगह मोदी के पुतले जलाए जाएंगे और 5 तारीख को 5 नवंबर को पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किए जाएंगे 6 घंटे के लिए 10 बजे से 4 बजे तक। अगर फिर भी सरकार ना मानी तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसको पूरे भारत में पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाया जाएगा। बाकी जो दूसरे प्रदेशों के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनसे भी हमारा संपर्क जारी है और ये आंदोलन केवल किसान का ना होके ये जन आंदोलन है। बीजेपी के विरोध करने का भी अगर हम करें तो फिर भी वही इल्जाम आएगा कि शायद ये कांग्रेस की कहीं मदद कर रहे हैं और वो इस तरह के इल्जाम पहले से हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो कांग्रेस करवा रही है, तो अपोजिशन करवा रही है, इस तरह के इल्जाम पहले भी लगा रहे हैं। जबकि हमने आज तक ना तो अपोजिशन का कोई लीडर हमारी स्टेज पे से बोला है और ना कोई झंडा कहीं किसी राजनीतिक पार्टी का लगा है, ना बैनर किसी राजनीतिक पार्टी का लगा है, कोई ऐसा काम अभी तक हुआ नहीं है। वैसे अब हमने ये फैसला कर लिया है, हमारी 17 तारीख को मीटिंग थी कि जो अपोजिशन वाले हैं वो हमारी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं लेकिन अपनी पार्टी का कोई झंडा बैनर कुछ लगा के नहीं आएंगे और पार्टी की आके राजनीतिक बात भी नहीं करेंगे, केवल किसान आंदोलन की और किसान समस्या की जो प्रॉब्लम है उसकी बात वो कर सकते हैं। पर्चा दर्ज कर देते हैं, नेट पे नहीं डाल रहे, जो आप जैसे लोगों से पता चलता है वो 20-22 मुकदमे तो इन्होंने दर्ज किए थे 10 तारीख को और अभी 4 दिन पहले इन्होंने 5 मुकदमे वो अकेले मेरे पे दर्ज किए हैं और 2 मुकदमे अभी नारायणगढ़ में दर्ज किए हैं, एक 302 का किया है और दूसरा रास्ता रोकने का किया, वो 14 तारीख को किए हैं। तो इतने मुकदमे जो है वो दर्ज हो चुके हैं करीब करीब, लेकिन सभी जितने मुकदमे दर्ज किए हैं जो पहले 307 के किए हैं उनमें भी इस तरीके से करा गया, इसका जो ये जो करवा रहा है ये गुरनाम सिंह करवा रहा है। हम लोगों से ये आह्वान करते हैं कि जहां भी ये गांवों में भी जाएं, गांवों में भी घुसने पे भी इनका विरोध करें, क्योंकि असली जो लड़ाई है वो इस वक्त सरकार से है, उनके पदाधिकारियों से है, बीजेपी के पदाधिकारियों से है। हमारे लोगों का जो हम कहीं पुलिस से कहीं ज्यादती करते हैं, आम जनता से कहीं ज्यादती करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हम सब अपने जो कार्यकर्ता है उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जनता से हमने बिल्कुल नहीं टकराना, चाहे वो हमें दो बातें बुरी बोल के भी चले जाएं, पुलिस वाले भाई हैं, चाहे वो हमें लठ मार लें, चाहे हमें फुहारा मारे, हमें वो कुछ भी हमारे से अभद्र व्यवहार करें, मुकदमे दर्ज करें, हमने किसी पुलिस वाले से नहीं टकराना क्योंकि वो कानून के बंधे हुए हैं। जो कानून बनाने वाले हैं हमने केवल उनका विरोध करना है और वो गांव में घुसे तब भी विरोध कर रहा है। कई ये प्रदर्शन किसानों के नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं किसानों के प्रदर्शन है, ये बीजेपी के प्रदर्शन है। मैं पहली बार देख रहा हूं, आप भी शायद पहली बार देख रहे होंगे कि किसी सरकार ने अपने कानून को लागू करवाने के लिए खुद ही प्रदर्शन करे, शायद ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है। और ये जो पार्टी है अब ये कहां तक गिर सकती है हम सोच भी नहीं सकते कि आंदोलनकारियों पे 302 के मुकदमे दर्ज करवाने। हालांकि आंदोलनकारी किसके लिए हैं, हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो देश के लिए कर रहे हैं, हम तो जनता के लिए कर रहे हैं।